नमस्कार दोस्तों, फोन हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है धर्मेश और आज हम बात करने जा रहे हैं गैलेक्सी M20 और Redmi Note 7 के बारे में। देखो, M20 भारत में लॉन्च हो चुका है, मैं अनबॉक्सिंग डाल चुका हूँ, मैंने यूज़ कर लिया है, कुछ एक कंपैरिजन भी अपलोड कर चुका हूँ, जबकि Redmi Note 7 अगले महीने भारत में लॉन्च होना है, कन्फर्म है। तो क्या गैलेक्सी M20 आने के बाद भी Redmi Note 7 का वेट करना चाहिए या फिर गैलेक्सी M20 अपने आप एकदम परफेक्ट डिवाइस है, यही बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो गैलेक्सी M20 के डिज़ाइन के बारे में अपना ओपिनियन बता चुका हूँ, मुझे M20 इतने ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जबकि मैंने जो वीडियोस देखे हैं Redmi Note 7 के, वहां उसका डिजाइन एकदम प्रीमियम लगता है। तो अभी ओपिनियन पर डिपेंड करता, हो सकता है आपको M20 का डिजाइन ज्यादा पसंद आए, लेकिन मैं जो अपना ओपिनियन की बात करूं, वहां मुझे Redmi Note 7 का डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो तभी पता चलेगा जब डिवाइस हाथ में होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो Redmi Note 7 में आपको फ्रंट पर मिलता है Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, शायद बैक पर भी Gorilla Glass 5 का ही है, लेकिन Galaxy M20 में किसी कर्व्ड ग्लास का प्रोटेक्शन तो है, लेकिन वो कौन सा है इसके बारे में सैमसंग की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट जैसे गैजेट 360 हुआ या फिर GSM Arena हुआ, यहाँ पर भी कुछ मेंशन नहीं है कि यहाँ कौन सा प्रोटेक्शन मिलता है M20 में। तो प्रोटेक्शन में भी Redmi Note 7 ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं इनके हार्डवेयर की। तो Redmi Note 7 में आपको मिलता है Snapdragon का 660 प्रोसेसर, तो वहीं Galaxy M20 में आपको मिलेगा Exynos का 7904 प्रोसेसर। 7904 प्रोसेसर में आपको सारी की सारी octa-core प्रोसेसर है, तो सारी की कोर हैं 1.8 GHz पर बेस, जहां पर दो कोर मिलते हैं आपको हाई एफिशिएंसी की और 6 कोर मिलते हैं पावर सेविंग की, यानी कि लो एफिशिएंसी की। वहीं बात करें अगर 660 की, तो वहां पर आपको 4 कोर मिलती हैं 2.2 GHz की हाई एफिशिएंसी के लिए और 4 कोर मिलती हैं पावर सेविंग की 1.8 GHz की। तो नो डाउट वहां पर Snapdragon 660 पर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। GPU की बात करें तो 7904 में आपको मिलेगा Mali-G71 MP2 GPU, तो वहीं Snapdragon 660 के साथ आपको मिलता है Adreno का 512 GPU। इसके बाद दोनों ही डिवाइस में सेम वेरिएंट आने वाले हैं, 3GB, 32GB, 4GB, 64GB M20 में, और यही वेरिएंट आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। लेकिन M20 में आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है कि यहां पर आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलते हैं, यानी कि डुअल सिम और मेमोरी कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो। अब जो ग्लोबल वर्जन है, जो चाइनीज वर्जन है Redmi Note 7 का, वहाँ पर हाइब्रिड डुअल सिम का स्लॉट दिया गया है, यानी कि या तो आप दोनों सिम यूज कर पाओगे या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। बहुत अच्छा होगा अगर भारत में ये ट्रिपल स्लॉट के साथ लॉन्च होता है, लेकिन अगर हाइब्रिड डुअल सिम के साथ लॉन्च होता है तो फिर यहाँ M20 ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7, क्योंकि अगर 32GB वाले मेमोरी वाले वर्जन की बात करें और आप डुअल सिम यूज करते हो, तो बिना मेमोरी कार्ड के आपका काम तो चलेगा नहीं। इसके अलावा बात करें बैटरी की, तो भी M20 ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, तो Redmi Note 7 में आपको मिलती है 4000mAh की। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 6.3 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही डिवाइस में सेम रेजोल्यूशन यानी कि सेम PPI का डिस्प्ले मिलता है। PPI है दोनों का 409। Redmi Note 7 में आपको मिलता है IPS डिस्प्ले, M20 में मिलता है आपको PLS डिस्प्ले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डिस्प्ले में तो दोनों ही सेम है, लेकिन अगर एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करें, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें, तो M20 का है लगभग 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, तो वहीं Redmi Note 7 का है 81%। तो यहाँ जो एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो M20 पर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 7। बात करें अगर कैमरे की, तो Galaxy M20 में आपको मिलता है 13+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा यानी कि 13 MP वाले कैमरे का अपर्चर साइज है 1.9 और 5 MP का कैमरा अल्ट्रा वाइड शॉट के लिए। वहीं Redmi Note 7 में आपको मिलता है 48+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा यानी कि 48 MP वाले कैमरे का अपर्चर साइज है 1.8 और जो दूसरा कैमरा 5 MP का, वो मिलता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। तो अगर आपको पोर्ट्रेट मोड पर फोटोज लेने हैं तो रहेगा Redmi Note 7 आपके लिए ज़्यादा बेहतर। अगर आपको वाइड एंगल शॉट लेना है तो फिर रहेगा M20 आपके लिए ज़्यादा बेहतर। M20 में भी आपको पोर्ट्रेट मोड मिलता है, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि एज डिटेक्शन उसका इतना ज़्यादा कमाल का नहीं है, बहुत कटा पिटा ब्लर देखने को मिलता है बैकग्राउंड पर, और बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ब्लर होता भी नहीं है M20 में। इसके अलावा अपर्चर साइज, जैसा कि Galaxy M20 का है 1.9, प्राइमरी कैमरे का Redmi Note 7 का है 1.8, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लो लाइट में आपको Redmi Note 7 पर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और उसका दूसरा लॉजिक क्या है, वो है पिक्सल साइज का। Galaxy M20 का जो पिक्सल साइज है वो है 1.12 micron, और अगर आप Redmi Note 7 पर 48 MP से फोटो लेते हो, कैमरा तो एक ही है, लेकिन वहाँ कैमरा जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आपको दिया गया है कि आपको 48 MP से की फोटोज़ कैप्चर करनी है या फिर 12 MP की। तो अगर आप 48 MP की फोटो कैप्चर करते हो, तो उस समय उनका जो पिक्सल साइज है वो रह जाता है 0.8 micron, यानी कि उस कंडीशन में ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कि Galaxy M20 पर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 7। लेकिन अगर रेगुलर
कैमरे की बात करें जो कि 12 मेगापिक्सल से फोटो कैप्चर होती हैं Redmi Note 7 की, उस कंडीशन में उनका पिक्सल साइज होता हो जाता है 1.6 माइक्रोन, यानी कि उस कंडीशन में Redmi Note 7 पर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M20। फ्रंट कैमरे की बात करें तो Redmi Note 7 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं गैलेक्सी M20 में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो यही था मेरा इन दोनों ही डिवाइसेस के बीच कंपैरिजन, और जो स्पेसिफिकेशन सामने हैं जो रिव्यू में Redmi Note 7 के देख चुका हूँ, गैलेक्सी M20 को जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है और मुझे जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है उसमें मैं यही बोलूँगा कि एक महीने वेट करने में कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि Redmi Note 7 कम्प्लीटली गैलेक्सी M20 को बीट करता है या M20 बहुत ज़्यादा कमाल का है Redmi Note 7 के मुकाबले, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है सामने उस हिसाब से वेट करने में कोई बुराई भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।